नमस्कार दोस्तों। तो चलिए इस लेक्चर में बात करते हैं एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में। राजकोषीय घाटे में कैसे आ सकता है सुधार? इसके संपादक हैं TCA श्रीनिवास राघवन। चलिए तो हम देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था गहरी आर्थिक मंदी के चक्र में है। हालात में बदलाव लाने के लिए कुछ अहम सुधारों की आवश्यकता है और उनकी रूपरेखा भी पूरी तरह स्पष्ट है। इनमें से कुछ सुधार पूरे होंगे और कुछ नहीं, परंतु मैं यहाँ एक ऐसी बात दोहराना चाहता हूँ जो मैं पिछली कई वर्षों से कहता आ रहा हूँ। क्या बेहद आर्थिक नीति का सबसे अहम हिस्सा राजकोषीय घाटे को देखने के हमारे नज़रिए में बदलाव में नहीं निहित होना चाहिए? कहने का तात्पर्य यह है कि यदि बड़ा हुआ या घटा हुआ सरकारी व्यय श्रम उत्पाद बाजार को संतुलित रखने का काम करता है, तो क्या ऐसे व्यय को दो हिस्सों में नहीं बांट दिया जाना चाहिए? क्या एक हिस्सा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें घटने पर सरकार का राजनीतिक जोखिम बढ़े, आर्थिक लाभों में इजाफा हो? आखिर हम सब जानते हैं कि राजस्व घाटा और राजनीतिक जोखिम दोनों आपस में बहुत गहरे तक जुड़े हुए हैं। हालांकि आर्थिक लाभ निवेश वैसे आता है, मेरा मानना है इन दोनों को वित्तीय उद्देश्य अलग अलग किया जाना चाहिए। पुराने दिनों में जब भेद समाप्त नहीं हुआ था तो इन्हें योजनागत और गैर योजनागत व्यय कहा जाता था। हमें थोड़े सुधार के साथ उस दिशा में वापसी करनी होगी, बल्कि गैर योजनागत व्यय को भी दो हिस्सों में बांटा जाना चाहिए। पहला, जिसमें कमी के राजनीतिक जोखिम हो, मसलन सब्सिडी और वेतन तथा पेंशन। दूसरा, रख रखाव का उच्च व्यय जिसमें इजाफा समग्र उत्पादकता में सुधार करना। फिलहाल तो इनमें से पहले में किसी भी तरह का इजाफा बाद वाले में कटौती करता है। ऐसा हर वर्ष होता है क्योंकि हर साल एक या दो स्थानों पर चुनाव भी होते हैं। देश में बुनियादी ढांचे की दयनीय दशा की यही वजह है। अरविंद केजरीवाल के अधीन दिल्ली सरकार इसका उदाहरण है। मैं इकलौती नई बात यह कह रहा हूँ कि राजनीतिक जोखिम करने पर होने वाले व्यय को आर्थिक जोखिम वाले व्यय से अलग किया जाना चाहिए। ऐसा करके ही हम उस पाखंड को दूर कर पाएंगे जो प्रतिस्पर्धी राजनीति व्यवस्था में घर कर गया है और जिसके चलते राजनीतिक जोखिम को जानबूझकर सत्ताधारी दल से और गरीब कल्याण को लेकर उनकी चिंताओं से जोड़ा जाता है। पारदर्शिता की ओर ऐसा करने के पश्चात ही राजकोषीय घाटे को लेकर कोई लक्ष्य तय किया जा सकता है। तब निश्चित रूप से 3% के स्तर पर रखा जा सकता है। ऐसी पारदर्शिता के अभाव में बजट को आकर्षक बनाकर पेश करने की घटनाएं बढ़ती हैं। ऐसा हमेशा से होता रहा है, लेकिन सन 2005 में बजट में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने मनरेगा के साथ इसे नई ऊंचाइयों तक पर पहुंचा दिया। तब से यह सिलसिला आबाद ढंग से चला आ रहा है। अब निर्मला सीतारमण के सामने अवसर है कि वह इसे बंद कर दें। उन्हें प्रधानमंत्री को यह यकीन दिलाना चाहिए कि वे इस समस्या से सीधा टकराव मोल लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार हमेशा अनावश्यक दबाव में रहेगी। सन 2014 से ऐसा ही देखने को मिल रहा है और इसने अर्थव्यवस्था को हद से ज़्यादा नुकसान पहुंचा। अनावश्यक रूप से कम राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तथा कम मुद्रा स्फीति संबंधी लक्ष्य से भी इसमें इजाफा किया गया। इतना ही नहीं, कुल व्यय के राजनीतिक हिस्से की फाइनेंसिंग कर राजस्व तथा घाटे की फाइनेंसिंग के आर्थिक हिस्से से ही की जानी चाहिए। अगली बात है राजनीति हिस्से को वी वैटिस PSVR सार्वजनिक क्षेत्र की ऋण आवश्यकता सीमा के समकक्ष होना चाहिए, जिसे लेकर 5 वर्ष तक कोई मोल भाव नहीं हो सकता। केंद्र सरकार को सब्सिडी वेतन पेंशन पर और अधिक व्यय नहीं करना चाहिए, जबकि अभी सरकार ऐसा ही कर रही है। नई चीज़ों के लिए उधारी लेने पर भी उसे केवल उच्च ब्याज भुगतान ही करना चाहिए, किसी अन्य चीज़ के लिए उसे उधार भी नहीं लेना चाहिए।
अगले वर्ष राजनीतिक वजहों से जुड़े तमाम वृद्धि कारक व्यय राज्यों से आने चाहिए। इसके लिए उन्हें यह इजाज़त दी जानी चाहिए कि वे व्यक्तिगत आय पर कर लगा सकें। आय कर पर केंद्र के एकाधिकार की कोई वजह नहीं है। वृहद अर्थव्यवस्था के मौलाना। एक अच्छे पुजारी की एक विशेषता यह है कि वह तमाम संदर्भों के परे धर्म ग्रंथों में लिखी बातों पर टिका रहता है। उसके लिए ये ग्रंथ आप प्रसे होते हैं। आज ऐसा ही वृहद अर्थशास्त्रियों के साथ है। यही कारण कि आज हर चीज़ से निपटने के लिए एक जैसा रुख अपनाया जा रहा है जो वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। अगर आप बेहद आर्थिक विचार प्रक्रिया के इतिहास पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि तमाम सफल सरकारों ने पुरानी समझ को नकारा, यानी औसत अर्थशास्त्रियों का सहज समझ को। फ्रैंकलिन रोजवेल्ट वेल्ट इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मार्गरेट थेचर और रोनाल्ड रीगन को भी इस श्रेणी में रखा जा सकता है। सरकार जो करती है उसकी वैधता के लिए उसे बौद्धिक जमात की प्रतिपुष्टि चाहिए। कीन्स के सिद्धांत सन 1950 के दशक से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अब इसकी बदलाव की आवश्यकता है, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कीन्स ने सरकारी घाटे को लेकर कोई सीमा निर्धारित नहीं की। उन्होंने केवल इतना कहा था कि उतना ही व्यय करें जितना अर्थव्यवस्था को गिरावट से उबारने के लिए आवश्यक हो। उनका जोर व्यय पर था जिसकी किसी सीमा पर नहीं। तमाम शक्तिशाली बॉन्ड बाजार उनके दिमाग तक में नहीं थे। अब हमें एक बार फिर कीन्स की शरण में जाना होगा, ना कि उनके व्याख्याकारों की शरण में। कम से कम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में बैठे लोगों को पास तो के पास तो कतई नहीं जो सबके लिए एक समान सिद्धांत के सबसे बड़े हिमायती हैं। किसी सरकार को ऐसी बिना दिमाग का इस्तेमाल किए सुझाव जा रहे हैं उपायों पर विचार नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये था एक महत्वपूर्ण एडिटोरियल।